नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुब्रत कुमार आचार्य है। मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और लिवर विशेषज्ञ हूं और फोर्टिस एस्कॉर्ट ओखला में मैं काम करता हूं एज एन एक्सपर्ट फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में। आज की तारीख में आप लोगों को सबको पता है कि कोरोना की महामारी सारा हिंदुस्तान में व्यापक रूप में फैल रहा है। दिल्ली में तो कंडीशन बहुत खराब है, आपको सबको पता भी है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा ज्ञासा देना चाहता हूं। नंबर वन, जो कोरोना हुआ है इसका प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में आप लोगों को बार बार ये खबर सारे जगह से आ रहा है, सरकार से, डॉक्टरों से, अस्पतालों से, हर जगह से, कि कोरोना वायरस जो है वो नाक और गले के म्यूकस मेम्ब्रेन से फेफड़े के अंदर जाता है और वहाँ बीमारी करता है, जिसको हम लोग COVID-19 निमोनिया कहते हैं। तो इसीलिए उसको प्रोटेक्शन के लिए पहला चीज जो है मास्क की जरूरी है। अभी ये भी बताया गया है और देखा गया कि डबल मास्क बेटर प्रोटेक्शन देता है सिंगल मास्क से। ये रिकमेंडेड है कि एक N95 मास्क लगाइए, उसका ऊपर सिंपल सर्जिकल या कपड़े के मास्क टाइट करके बांधने से कोरोना प्रिवेंशन बेटर होता है। और जो मास्क और मुंह का अंदर गैप जैसे मिनिमम रहे वो ध्यान रखना जरूरी है। पर्टिकुलरली जब जरूरी होता है आप बाहर निकलते हैं कोई काम के लिए, बाहर निकलना तो नहीं चाहिए, जब भी निकलते हैं तो डबल मास्क लगा के जाना बहुत जरूरी है। दूसरी तरीके से जो फैलता है, जो हाथ से कहीं भी टच करने से या कहीं वायरस से होने से, ये हाथ से आता है और हाथ से आप नाक और मुंह में हाथ लगाने से उसमें भी जाता है। तो हाथ को साबुन में बार बार साफ करने से या सैनिटाइजर जिसमें 70% अल्कोहल है उसमें साफ करने से कोरोना वायरस उसमें खत्म हो। मैं तीसरी बात आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा, जब आप बाहर जाते हैं जरूरी काम के लिए आंख में जीरो पावर की एक ग्लास या सनग्लास लगा के जाने से बेहतर है, क्योंकि कभी कभी आंख में भी म्यूकस मेम्ब्रेन है और आंख से नाक को कनेक्शन है, तो इसीलिए बेहतर है आंख में भी जीरो ग्लास लगा। ये भी बताया गया है कि घर में आप किसी को कोरोना होने से घर का अंदर भी आप डबल मास्क एटलीस्ट सिंगल मास्क लगा के रहने से बेहतर। आज ही नीति आयोग की चेयरमैन डॉक्टर विनोद पॉल ने आज ये इंफॉर्मेशन दिया है कि घर में भी आप मास्क यूज करो। और एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो मैं बताना चाहता हूँ ये है, कोरोना होने से भी ऐसे घबराने वाले कोई बात नहीं। 100 पेशेंट जिसको कोरोना होता है उसमें 80 या 90% को बड़ा माइल्ड एसिम्टोमेटिक या एट बेस्ट मॉडरेट इन्फेक्शन होता है, जिसमें आसान से घर में रह के इलाज कर सकते हैं और हस्पताल आने की इतना जरूरी नहीं है। ये इलाज की तरीका भी सिंपल है कि आप घर में रहिए, आपको बुखार होने से पैरासीटामोल की गोली लीजिए, वो सेफ है। दिन को आप 3 या 4 500 मिलीग्राम की गोली ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। साथ में थोड़ा बॉडी की इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए विटामिन सी और जिंक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोरोना होने से सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो हम लोग सोचते हैं मुद्दा है, फेफड़े में निमोनिया होने से ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर सकता है, तो उसको आप खुद मॉनिटर कर सकते हैं घर में। इजीली पल्स ऑक्सीमीटर मिलता है, ऑनलाइन भी मिलता है, केमिस्ट की दुकान में मिलता है, जो फिंगर की टिप में लगाने से उसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन और हार्ट रेट देती है।
ऑक्सीजन सेचुरेशन जब तक 94-95% से ज्यादा है तो घबराने की कोई बात ही नहीं। 94% से कम होने से सस्पेक्टेड है कि आपका लंग्स में, फेफड़े में इन्फेक्शन है, माइल्ड निमोनिया हो सकता है या मॉडरेट निमोनिया हो सकता है। इसको भी आप घर में आसान से इलाज कर सकते हैं। तरीका है एवेक प्रोन वेंटिलेशन, जिसको कहते हैं पेट में, पेट की बल में लेट के छाती का अंदर एक तकिया डाल के आप लंबा लंबा सांस खींचने से आपका सैचुरेशन जरूर बढ़ेगा और बढ़ भी जाता है, और हर 2 घंटे में 30 मिनट ऐसा करने से काफी है, ये भी आप कर सकते हो। उसका साथ आप, जैसे मैं बताया, जो दवाई पैरासीटामोल, जिंक और विटामिन सी, उसका साथ भी आप सिंपल इनहेलर ले सकते हो, स्टीम इनहेलेशन ले सकते हो, और सिंपल एक ब्यूडाकॉट इनहेलर मिलता है, ब्यूडेसोनाइड इनहेलर, इसको 400 माइक्रोग्राम की 2 पफ सवेरे 2 पफ शाम को लेने से भी आपको काफी आसान मिलेगा। आपका डॉक्टर को सलाह करके कुछ एंटीबायोटिक भी साथ में ले सकते हो, इसमें मोस्ट ऑफ द पीपल ठीक हो जाते हैं, इतना घबराने वाले। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी और लिवर डिजीज जो कंसर्न वाली बात है वो पर्टिकुलरली सिरोटिक्स है। सिरोटिक्स पेशेंट्स डिटोरिएट करते हैं जब फेफड़े में निमोनिया होता है, अदरवाइज सिरोटिक पेशेंट इतना डिटोरिएट नहीं करते। जिन लोगों को सिरोसिस है, अर्ली सिरोसिस है, जिनका पेट में पानी नहीं है, पैरों में सूजन नहीं है, कभी खून की उल्टी नहीं है, पीलिया नहीं है, उनको घबराने की कोई बात नहीं। उनका इलाज जैसे मैं बताया, बिना सिरोटिक वाले पेशेंट जैसे ऐसे ही इलाज आप कर सकते। जिनको डीकम्पेंसेटेड सिरोसिस है, उसका मतलब पेट में पानी है, पैरों में सूजन है, पीलिया भी है, खून की उल्टी की हिस्ट्री भी है, उनमें आप एक्सपर्ट को कंसल्ट करना चाहिए। जिनको आप, जिनसे आप इलाज हो रहे हो, उनको आप कंसल्ट कर सकते हो, टेली कंसल्टेशन कर सकते हो, वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हो। और फोर्टिस हॉस्पिटल आपको हर वक्त ये कंसल्टेशन कराने के लिए तैयार, एक्सपर्ट के साथ। ये आप फोर्टिस हॉस्पिटल के थ्रू में भी कर सकते हो, काफ़ी एक्सपर्ट हम लोगों का जो आपको हेल्प करने के लिए हर वक्त तैयार। बाकी बीमारी में इतना घबराने वाले बात नहीं है, एक्सेप्ट डिकम्पेंसेटेड सिरोसिस, जिनको थोड़ा सुपरवाइज ट्रीटमेंट चाहिए। हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी, जिन लोगों ने एंटीवायरल थेरेपी ले रहे हैं और जिनका वायरस सप्रेशन काफ़ी इफेक्टिव है, उनको बिल्कुल घबराने की जरूरत, वो ठीक हो जाते हैं। सिंपल इलाज जैसे मैं बताया उसमें आप ठीक हो जाते। काफ़ी और सीरियस बीमारी जो है, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस या इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, इनका ट्रीटमेंट भी जो आप ले रहे हो, सपोज आप स्टेरॉयड ले रहे हो, कोरोना में स्टेरॉयड हेल्प करता है, तो इलाज की चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट आप कुछ दवाई लाइक एजाथियोप्रिन या सेल्सेप ऐसा कुछ दवाई ले रहे हो, तो आपका जो ट्रीटिंग फिजिशियन है उनसे बात करके इसको आप बदल सकते। और कोरोना में डायरिया होता है, काफ़ी लोगों को डायरिया, इसके लिए भी आपको घबराने वाले बात नहीं है। इसमें सिंपल ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी विथ प्रोबायोटिक आपको काफ़ी आसान देगा, काफ़ी आराम देगा। एंड लास्ट मुद्दा जो मैं बताना चाहता हूँ वो वैक्सीनेशन के बारे में। आप वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल हो तो आप वैक्सीनेशन ले सकते हो, हर बीमारी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल और ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं। रिपोर्ट आप लोग देख रहे हो कि कुछ रिपोर्ट ऐसा है जिसमें थ्रोम्बोएम्बोलिज्म ज़्यादा होता है, पर्टिकुलरली कोविशील्ड में, वो रिस्क बहुत कम। वो रिस्क तो जिन लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का चांस 400 टाइम्स ज़्यादा होता है, जिनको कोरोना होता है उसमें 4000 टाइम्स। तो वैक्सीन का तो रिस्क उसका बराबर में
ऑलमोस्ट निल, बहुत स्मॉल है, तो इतना घबराने वाले बात नहीं है। और आपको कुछ ऐसा बीमारी है जिसमें आपको पहले नसें बंद हुए हैं, जिसको हम थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कहते हैं, उन कंडीशन में आप अपने फिजिशियन को कंसल्ट करके कुछ टेस्ट करा के कुछ दवाई लेके आप वैक्सीन ले सकते हो जिसमें ये प्रिवेंट हो सकता है। तो मेरा एसेंशियल बताने का मकसद ये था कि कोरोना जो महामारी है, लोग पैनिकी सिचुएशन में, मेरा ओपिनियन में इतना घबराने वाले कोई बात नहीं है, समझने वाले बात, इसको समझेंगे और आपकी फिजिशियन लोगों के साथ बात करके आप इसको आसान से मोस्ट पेशेंट आप घर में इलाज कर सकते हो कंफर्टेबल। आप और हम सब मिलने से कोरोना को कंट्रोल कर सकते हैं, कोरोना को हरा भी सकते हैं, कोरोना से जो लोग सफर कर रहे हैं उनको बहुत आराम भी दे सकते हैं और वो अच्छे भी हो सकते हैं। आइए हम हाथ मिला के ये काम करें। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि फोर्टिस हॉस्पिटल आपको हेल्प करने के लिए हर वक्त तैयार। बेस्ट विशेस एंड थैंक यू।